तो दोस्तों देख सकते हो सेटअप आधा रेडी हो चुका है। तो वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सेटअप करने टाइम का वीडियो नहीं बनाया हूँ। तो यहाँ देख सकते हो दो लाइनरे और दो स्कूप बेस, यहाँ दो लाइनरे दो स्कूप बेस रखा हुआ है और सामने सामने में तीन ब्लू बेस और तीन ब्लू बेस दो लाइनरे अगल बगल में लगा हुआ है और दो लाइनरे ऊपर में अभी लगाएंगे ट्रस के ऊपर। और यहाँ देख सकते हो वीडियो की क्वालिटी इतनी खास नहीं आ रही होगी क्योंकि शाम टाइम वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पास अभी बैकग्राउंड का जो भी है वो अभी काम चल रहा है, अभी भी देख सकते हो सभी लोग लगे हुए हैं सुबह से। तो यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा रात हो चुका है, यहाँ पे शार्पी में सीन बना रहे हैं हम लोग। शार्पी 8 ठो शार्पी लगा, देख सकते हो अपना नेम बोर्ड वहाँ पे। और यहाँ पे जो वीडियो हमारा देखते होंगे उनको पता होगा हमारे विवेक भैया सीन बना रहे हैं। और यहाँ देख सकते हो शार्पी में सीन बनते हुए। और ये जो ट्रस देख रहे हो आप लोग, इसको हम लोग अभी नया बनवाए हैं, अभी अभी डांडिया का काम है। पिछले साल भी हम ही लोग किए थे डांडिया का काम दो लोग मिलके, इस बार हम लोग अकेले कर रहे हैं डांडिया का काम को यहाँ का अपने ही शहर में बालको में। और यहाँ देख सकते हो ब्लाइंडर एक प्रॉब्लम कर रहा था, उसको सेट कर रहे हैं भैया अच्छे से। सीन बन जाएगा आज, उसके बाद हम लोग इसको ऊपर चढ़ा के अभी साउंड चेक भी करेंगे, तो वीडियो में बने रहना। यहाँ देख सकते हो सीन बन चुका है पूरा, चलो सुनते हैं साउंड चेक। तो साउंड चेक तो हो चुका है, आपने सेटअप देख लिया होगा, कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। और चलो अब मिलते हैं सीधा डांडिया ग्राउंड में, जब डांडिया स्टार्ट हो जाएगा तब। आपने क्लिप देखा है इससे पहले जस्ट वाला वीडियो, उसमें आपने देखा होगा कि पूरा ड्रोन के साथ शूट किया हुआ वीडियो अपने सेटअप का और पूरे ग्राउंड का। तो वो पूरे सातों दिन में से बेस्ट जो क्लिप था वो मैं एडिट किया हूँ। और इस वीडियो में मैं ज्यादा डांस का या डांडिया का वीडियो नहीं डाला हूँ क्योंकि शूट करना वैसे भी बंद था सबके लिए। आप सोच रहे होगे वीडियो तो शुरू होते ही खत्म हो गया भाई, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार।
तो ज्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मैं ऑपरेट कर रहा था इसलिए, और मेरे साथ रवि भी ऑपरेट कर रहा था खुर्री। तो पूरे 7 दिन में जो बेस्ट क्लिप था उसको मैं ऐड किया था, जो आपने देख चुका है ऑलरेडी। और अभी जो आप देख रहे हो वो है लास्ट के दिन का, डांडिया खत्म हो चुका है, अब सिर्फ जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है वो चल रहा है और हम लोग अपना साउंड बंद कर चुके हैं, सिर्फ माइक चल रहा है थोड़ा। और आचार संहिता लागू हो चुका है इसलिए 10 बजे के बाद बिल्कुल भी साउंड हम लोग को बजाने नहीं दे रहे थे, इसलिए हम लोग बिल्कुल भी 10 बजे के बाद साउंड नहीं चलाए हैं। पूरी समिति वाले बात कर चुके थे, 10 बजे तक हम लोग को बंद करवा ही दिया उन लोगों ने। तो जैसा आप लोग देख सकते हो हम लोग ट्रस को नीचे गिरा चुके हैं। आप लोग को थोड़ा सा इधर का मशीन दिखा देता हूँ, ये ट्रस जो है उन लोग निकालेंगे अभी पूरा। ये अपना रूपेश, सभी लड़के लोग यहीं पर हैं, सब लोग अभी सामान को नीचे निकालेंगे और वहां पे माइकिंग चल रहा है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बाकी लोग रुके हुए हैं। और यहाँ देख सकते हो ये हमारा मिक्सर है यामाहा का, और यहाँ पर देख सकते हो अपना मशीन पूरा, डिस्ट्रीब्यूटर और क्रॉस ओवर। और यहाँ पर देख सकते हो 3 मॉस्फेट रखा हुआ है और 2 मॉस्फेट इसमें जिसमें लाइनरेज चल रहे हैं, और यहाँ बोर्ड भी रखा हुआ है। तो और लंबा है नहीं ये वीडियो, बहुत छोटा सा वीडियो बनाया हूँ, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ इस काम को और इस काम के माहौल को दिखाने के लिए मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि पिछले बार हम लोग 2 लोग मिलकर ये काम किए थे, इस बार हम लोग अकेले किए हैं इसलिए यह वीडियो बनाया हूँ। और इसी ग्राउंड में मैं जब छोटा था तब डांडिया करने आता था और दूसरे लोग साउंड लगाए रहते थे, लेकिन इस बार हम लोग खुद साउंड लगाए हैं और सभी लोग सामने डांडिया कर रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस भी अलग है। तो यहाँ देख सकते हो काफी लोग रुके हुए हैं क्योंकि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो अच्छे डांडिया कर रहे थे, जो अच्छा कर रहे थे उन लोग को मिल रहा है प्राइस। और यहाँ देख सकते हो सारपी खुल चुका है 1-2, जिसको हम लोग अभी पेटी के अंदर लगा रहे हैं, सभी काम में लगे हुए हैं, आज रात को पूरा खाली कर ही देना है, रात भर लगे या सुबह हो जाए। यहाँ पारलाइट का देख सकते हो कार्टून, नया पारलाइट भी लिए है हम लोग, और ये अपना सारपी। और यहाँ देख सकते हो हम लोग लाइनरे भी लटकाए हुए हैं, और यहाँ पर अभी भी माइक चल रहा है, प्राइस दिया जा रहा है, वॉशिंग मशीन मिलेगा जो फर्स्ट विनर होगा उसको, देख सकते हो काफी लोग रुके हुए हैं इसलिए। और यहाँ पर देख सकते हो छोटा रूपेश लाइट को जमाते हुए। तो चलो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना सेटअप कैसा था और माहौल कैसा था। काफी भीड़ था, अच्छा एक्सपीरियंस है ये, पूरा भीड़ को हैंडल करना बहुत ही, वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो आज का वीडियो यहीं तक है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और कमेंट भी कर दो। तब तक के लिए जय श्री राम, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।